पता चले। एलिवेटर को एक काम करना, तो वहीं बैठ जा कुर्सी लगा के, कुर्सी ले ले पीछे। हाँ जी चलिए रेडी। सनी जी फर्स्टली गुड टू सी यू, हाउ वुड आई एड्रेस यू सनी जी और संदीप भैया, किस तरह एड्रेस करूँ मैं पूरे इंटरव्यू में? आपको क्या अच्छा लग रहा है एड्रेस करना, तो बस करो वही। काफी पॉपुलर है ये संदीप भैया वाला किरदार, एंड आपका और एक नया किरदार भी आने वाला है, बट बात करूँ आप जब लोगों से मिलते हो हाउ दे एड्रेस यू? हाँ मतलब अधिकतर लोग तो संदीप भैया बोलते हैं, कुछ लोग मिलिंद मिक्स अलग अलग बोलते हैं, कुछ लोग सनी भैया बोल देते हैं। तो ये प्यार है बस लोगों का, जब प्यार मिलता है एस्पिरेंट्स को, इतना प्यार मिलता है, पीपल आर लविंग इट। इतना इतनी कमाल की सीरीज है वो, जो इतनी कमाल के एपिसोड्स है। आपके किरदार की मैं बात करूँ, संदीप भैया के किरदार की, इतना नेचुरल किरदार है आपका, उसके बारे में थोड़ा बताइए हाउ पीपल लव्स इट। आज भी बात होती है जब लोग आपसे एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो किस तरह की फीलिंग होती है आपकी? नहीं मतलब ये खुश नसीबी है कि वो बहुत बहुत प्यार और बहुत खुशी और बहुत एक्सेप्टेंस के साथ बात करते हैं वो लोग, तो वो मेरे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और अच्छा लगता है यार। अगर आप एक्टर बनने आए हो और उस काम के लिए आपको अगर सराहा जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। और उससे ज़्यादा जो प्यार मिलता है ना लोगों से, मुझे लगता है वो उसकी तुलना नहीं है किसी चीज़ से। और जितना प्यार मिलता है ना, मेरा दिल और खुश और बड़ा होता जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसा इमोशन है ना, वो आपको एम्पथी भी देता है। मेरे को वो जो बहुत प्यार मिलता है ना, तो मुझे उसके साथ साथ वो एम्पैथी भी मिलती है, और वो मेरे को लगता है कि वो उससे बड़ा इमोशन नहीं है। एंड दैट इज परफॉर्मेंस, कहाँ रखोगे आप अपनी वो परफॉर्मेंस? राइट ऑन द टॉप, राइट ऑन योर हार्ट, वो परफॉर्मेंस कहाँ एड्रेस करोगे? नहीं, वो परफॉर्मेंस को कहीं रखने वाली बात ही नहीं है। उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम, उसको टॉप पे रखूँ कि थर्ड पे रखूँ, सेकेंड, नहीं, वो अपने आप में जो है वो है, वो अनमोल है। उसको हम किसी दायरे में या दर्जे में नहीं डाल सकते। There were two characters, आपके अंदर ही the younger portion, जब आप बात करते हो, फिर बाद में एक second portion आते हैं, जब आपकी मुलाकात होती है। जी, छह साल बाद वो हक करते आपको, जब वो बन जाते, the two roles, which was your favorite role and which was more difficult? वो है तो एक ही ना? Yes, वो है एक ही, उसी की दूसरी परछाई है, तो डिफ़िकल्ट या इजी वो थे तो दोनों ही थे। वो जिस तरीके से चीज़ें हुई, जिस तरीके से चीज़ें समा बंधा, और जिस तरीके से वो हुई, द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसिस दैट आई वॉज इन, सो इट्स अ टीम्स वर्क। और मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज एवरीबडी फ्रॉम ऑन द सेट ऑफ टीम एस्पिरेंट्स, सबका योगदान है इसमें, इस चीज़ को, फ्रॉम नॉट ओनली जस्ट डायरेक्टर, डीओपी, कॉस्ट्यूम, आई थिंक लाइट बॉय, सब लोग का इसमें योगदान है, क्योंकि ये एक एनर्जी है। जिस एनर्जी और जिस पैशन से सब लोग थे वहाँ, आई थिंक वो आप सोचते नहीं हो, वो होता है, तो वो हुआ है। सनी जी, इसके अलावा मैं बात करूँ, जब आप मॉनिटर में देखते हो अपने जो कट शॉट्स, मॉनिटर में अलग दिखते, बट एक बार एक्सपीरियंस आ गई राइट ऑन द यूट्यूब, टेलीविजन में हम देखते हैं, टेलीविजन में हम खोल के टेलीविजन में आपने पूरा देखा रहेगा, बिंज वॉच किया रहेगा, आपके जो किरदार जब आपने टेलीविजन पे देखा, कैसा लगा आपको? हाउ वाज द रिस्पांस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फैमिली वंस, क्लोज वंस से किस तरह के रिस्पांस थे? वही तो सबसे खूबसूरती वाली बात है कि जो मेरे क्लोज वंस थे उनका खास, जो मेरे क्लोज वंस है, और मेरे FTI के कुछ बैचमेट्स भी हैं जिनका, जो बहुत बहुत ही उस आँख से देखते हैं। जैसे अगर आप जर्नलिज्म में है तो आप देखेंगे कि वो इंटरव्यू कैसा कर रहा है, शायद आप ज़्यादा जज कर पाएंगे, उस फील्ड में रहते हो। तो मेरे जो एक्टर फ्रेंड्स हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, वो सब, उन सब ने जब बोला यूनैनिमसली, तो तब मुझे लगा कि पहली बार की अच्छा, तो वाकई कुछ हो गया है। तो बहुत, मेरे लिए बहुत प्राउड और खुशी वाली बात थी कि मेरे जो अपने लोग हैं वो अगर ये ऐसा बोल रहे हैं। तो आई थिंक मेरी वाइफ हैं, वो मेरी बैचमेट भी रह चुकी हैं FTI से, वो अधिकतर मतलब आप क्रिटिसाइज एक क्रिटिकल नज़रों से देखते, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिकल नज़रों से देखती है कि कहीं भी छोटी भी गड़बड़ होती है तो उसको पिन पॉइंट करती है। बट जब वो
ये रोल के उन्होंने लिए। कुछ कहा इस रोल को लेके? उन्होंने कुछ कहा कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा, क्योंकि मिस्टेक्स एक सेकंड हर पॉज कर लेते हैं हम लोग। लाइट टेढ़ा क्या हो कर गया? रहा है, लाइट टेढ़ा कर टेढ़ा हो गया, कर कर रहा टेढ़ा हो रिकॉर्ड है क्या? यस। सो मेरा सवाल ये था कि जी उसमें हार्डली एनी क्रिटिसाइज हो सकता था उस किरदार में, उस एस्पेरेंट में, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया है? डिड शी क्रिटिसाइज यू? डिड शी नहीं, टोल्ड यू वो एनीथिंग? इतना खो गई उसमें, उस रोल में, कि वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड की तरह है। जिस तरीके से वो खो गई उस रोल में, और इनफैक्ट उनके आंख में पानी भी आ गया था, तो यस मेरे लिए वो जो आंसू की बूंद थी वो ऑस्कर से कम नहीं यस था। दैट्स ट्रू। या काफी वो जो एक लास्ट में जो गाना है धागा, वो तो उसमें तो काफी लोग मेरे हिसाब से रोए रहेगी। जब जो सीए हो गए, सीएस हो गए, द पीपल हु स्टडी सो मच, 4 साल वो पढ़ाई करते, एक अलग देश में रहते, आईएसआई हो गए, वो जब पढ़ाई करते वो लोग का क्लियर नहीं होता, वो जो टर्म रहते। जब आपने भी उस टर्म का जिक्र किया था मुझे जी याद है, तो उसका कितना कितना रिलेटेबल लगता है आपको वो गाना? नहीं, वही है, वही रिलेटेबल, वही चीज़ है। मुझे लगता है ये सिर्फ, देखो, एस्पिरेंट हर कोई है अपनी लाइफ में, यस चाहे वो आईएएस की तैयारी करना चाह रहा हो, चाहे वो एक्टर बनना चाह रहा हो, चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाह रहा हो, चाहे कैमरामैन, हर कोई एस्पिरेंट है। और हर कोई कॉलेज या स्कूल लाइफ देख के आया है, कॉलेज लाइफ जिस तरीके से होता है, और हर किसी के साथ उसमें क्लियर हो जाएं, ये तो बहुत ही रिलेटेबल सॉन्ग है। रिलेटेबल चीज़ है ये, बहुत हर कोई रिलेट करता है इससे। तो वो एक मेरे हिसाब से, मुझे लगता है कि वो काफ़ी रिलेट हुई। और फिर वो जो सॉन्ग, जिस तरीके से वो जो चीज़ें हुई, वो मेरे ख्याल से वो पूरे मेकर्स और सबका कोलैबोरेटिवली जो कमाल उन्होंने किया और वो हुआ, तो यू हैव वो डन टेलीविजन आल्सो, यू हैव डन ओटीटी प्लेटफॉर्म, थाई मसाज की मैं बात करूँ, एस्पिरेंस की मैं बात करूँ, हमेशा ऐसा लगा है कि आप हमेशा ब्लेस्ड हो कंटेंट वाइज। जब थाई मसाज की भी कंटेंट की मैं बात करूँ, मैं गजराज जी से मैं सवाल था, बोला इट्स अ परफेक्ट ओटीटी, इट्स अ परफेक्ट कंटेंट वाइज, कंटेंट किंग है ये, जिस तरह ट्रेलर भी देखा है थाई मसाज का। आपको ऐसा लगा कि यू आर वेरी ब्लेस्ड विद द कंटेंट, कंटेंट पार्ट की मैं बात करूँ? बिल्कुल, मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि आपने सही बात बोल दी, वो स्क्रिप्ट्स चुन लेती हैं यस मुझे मुझे वो मौका नहीं मिलता है कि मैं कुछ करूँ। मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो लोग हैं, वो चुन लेते हैं, और मैं बस आई गो विद द फ्लो, एंड आई जस्ट गो विद द फ्लो, एंड इवेंचुअली नाउ यू से इट्स अच्छी यस कंटेंट वाली हैं, तो मैं खुश होता हूँ वो बट सुन के। स्क्रिप्ट्स किस तरह, जैसा नरेशन पार्ट होता है, स्क्रिप्ट कम्स टू यू, नरेट होता है, तो क्या कुछ ऐसी चीजें जो आप देखते हो पहले स्क्रिप्ट में देखा जाता है? डू यू सी द लोकेशन, डू यू सी योर डायलॉग्स, डू यू सी द कास्टिंग, किस तरह से आप देखते हो स्क्रिप्ट? मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कौन बना रहा है, वो क्या है, वो कैसे हैं, क्या उनका उनकी सोच है, क्या उनका व्यवहार है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिक सबसे पहले वो आता है, यस क्योंकि इवेंचुअली ये जो फिल्म मेकिंग मीडियम है, पहली बात तो ये आप अकेले निर्भर नहीं हो, आप अकेले नहीं कर सकते। दूसरी बात, इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क, इट्स अ टीम वर्क, यू नीड टू बी अ टीम प्लेयर। और आपको देखो, दिखते हम एक्टर्स हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम भी एक पार्टी हैं। अब छोटा सा बड़ा सा नहीं कहूँगा, हम भी एक उसका पार्ट हैं। वो जो बोल लो, कोई कैमरा पकड़ रहा है, कोई दिख रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, सो इट्स ऑल अबाउट दैट नो, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस तरफ बना कैसे रहे हो, उस बनाने में आप इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप कर तो उसी के लिए रहे हो ना, कि आप यस मज़े करते हुए, रिलैक्स करते हुए, आपको, आप जिस लेवल पे हो, आपको वो डायरेक्टर या वो लोग आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, वो पहला है ना मेरे लिए, वो पहला है। वो मैं देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है, फिर जब वो ठीक ठाक हो जाता है, फिर आता है रोल। यस पर मेरे हिसाब से मोटा मोटी अगर मोहब्बत और प्यार रहता है ना, तो फिर मैं कर फिर लेता हूँ, सिलेक्टेड, फिर मैं, हाँ, डन हो डन। जाता है। कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, जब हम सीरीज की बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की स्पेशली मैं बात करूँ, बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड आप किस तरह से देखते हो एज एन एक्टर? एज अ व्यूअर हम लोग काफी डिफरेंट लेवल पे देखते हैं, बट एज एन एक्टर हाउ डू यू सी? आई टेल यू समथिंग, बिफोर एंड पोस्ट कोविड, नॉट जस्ट एज एन एक्टर, आई थिंक एज अ पर्सन, एज ह्यूमन बींग, पीपल हैव चेंज्ड। राइट लोगों को ये बातें मैं पहले सोचता भी था, और मुझे, मैंने सीखी भी है, मेरे, मैं हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, संदीप भैया से भी मैंने सीखा है। यस तो
ये मैं ये पहले भी बात बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि आप जो हो, आप बने हो आपके माँ बाप से, आपके आसपास के लोगों से, आप उनका संगठन है, उनके साथ आप हो, वो आप हो। वो उन लोगों को आप नकार दोगे ना, उन लोगों को नहीं अगर आप वो करोगे ना, तो फिर वो एक आप टूट टूट जाओगे। वो आपका, आप किसी एक पार्ट का अंश हो, वो अंश में बना रहे तो वो संभला और सदा हुआ रहता है। तो वही मेरा मानना है कि फिर अगर ये अंश में आप रहोगे ना, तो किसी भी स्थिति में रहो, हाई हो, लो हो, लो का लो हो, कुछ नहीं होगा। तो उस सधे हुए रहने के लिए आपको मेंटली, इमोशनली, देखिए आप फिजिकल आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखा देते हैं ना, लेकिन कोई मेंटली बीमार होता है तो दिखाता है क्या? ये तो टैबू है ना, क्यों नहीं दिखाता है? और नहीं भी दिखाता है, एक लेवल होता है आप बात करके ठीक करो, एक लेवल होता है कि वो बात करके नहीं होता, आप एक किसी काउंसलर के पास जाओ, काउंसलर नहीं होता तो फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास। तो अलग अलग लेवल्स है ना, ये भी तो एक एक नॉर्मल चीज़ है। तो सबसे पहला आता है आपके जो अंश वाले लोग हैं, आपके लोग रहेंगे तो सबसे पहले आपका वहाँ ध्यान रहेगा। तो ये जो मेंटली और इमोशनली ये सारी चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से हुआ है आफ्टर कोविड, विच इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, और कोविड में यही हुआ, यही हमने देखा। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ्स देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल इन आर लाइफ्स देखा। तो वो बहुत चेंज हुआ, और एंटरटेनमेंट के हिसाब से ये चेंज हुआ कि लोगों ने घर बैठ के बहुत सारा काम देखा, लोगों की एपेटाइट बढ़ी, उनको समझ आया कि अच्छे कंटेंट, इस तरीके से चीज़ें हैं, ये बढ़िया लग रहा है, उनको चॉइसेस मिली, उन्होंने सिलेक्ट करना शुरू किया। तो अब हर किसी की जीत है, ये एज मेकर्स हमारी है, हमारे पास ऑप्शंस है, एज व्यूअर्स आपकी है, आपके पास ऑप्शंस हैं, इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी? बट जब भी आपको ऐसा लगता है, यू फील लो, व्हाट यू डू, कभी भी ऐसा लगता मेरी है? मेरी स्ट्रेंथ, मेरी किताब, मेरी चीज़, सब मेरे लोग हैं। तो मैं लोगों से अपने शेयर करता हूँ ना, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब मेरी कोई इतनी एकदम पर्सनल चीज़ होगी, मेरी मेरी वाइफ है, ही इज़ लाइक, शी इज़ लाइक अ फ्रेंड, यू नो। आज हम FTI से बैचमेट्स हैं, तो वो ब्लेसिंग जो है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस्ड मानता हूँ कि इस तरीके के लोग हैं, और मैं शुक्र गुजार हूँ कि मेरे को ये समझ दी ऊपर वाले ने कि मैं उनका इम्पोर्टेंट समझता हूँ। वो भी तो होना एक अलग बात है ना, आप इम्पोर्टेंट हो जाता अगर पार्टनर इतने टाइम से हो, पूरे आपकी जर्नी देखी हो, बिल्कुल काफी इम्पोर्टेंट हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। और वो समझ रखना कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, ये सोच होना भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना। शी हर मेरे और ख़ास लोग जो FTI के हैं, सो ये लोग होते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ अच्छी है, लाइफ आसान है। और फिर आप जैसे लोग इतना प्यार से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ तो अच्छा ही हो रहा है यार। और अब सबसे बड़ी मूवी शहजादा, जी आप हो उसमें, जी थोड़ा बताइए किस तरह का किरदार आपका देखने मिलेगा शहजादे में, और किस तरह से आपको रोल ऑफर हुआ? रोल तो देखो, आई एम प्लेइंग अ बैडी, सो टू से, पर मेरे लिए वही है जो मैंने सबसे पहली बात बोली, रोहित भाई से मिला मैं, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, कुछ भी होता मैं कर लेता। तो वो तो एक बात ख़त्म हो गई। और मेरे लिए रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, वो रोल करने वाला या करवाने वाला छोटा या बड़ा हो सकता है, पर वो किरदार मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप उसकी सोच छोटी बड़ी हो सकती है, कि आप सोच से उसको छोटा बड़ा बना सकते हो, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए मेरे लिए, आपने देखा होगा, कोई भी अच्छा किरदार हो सर आँखों पर, फिर कोई भी कैरेक्टर हो, जिस भी तरीके का हो, एक मज़ा आना चाहिए, वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी मिली कैसे भाई? एस्पिरेंट्स में देखा रोहित भाई ने, और उन्होंने सोचा कि ये संदीप भैया को कुछ अलग लिहाज में दिखाना चाहते थे। मैंने कहा सर, आई एम ऑल योर्स, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। थोड़ा रोल के बारे में, अगर आई नो आप ज्यादा बात नहीं करना पाओगे, हाँ, बट फिर भी थोड़ा सा, अगर तो आप फिल्म कितना देख, डिफरेंट है अब जो वो किरदार था, जो आपका रियल किरदार है, और वो किरदार, तीनों में कितना डिफरेंस होगा? ये तो होना ही था। चलेगा, कंटिन्यू। हाँ मेरा सवाल, मैं रिपीट, हाँ तीनों किरदार, संदीप भैया, सनी जी एंड द रोल, तीनों किरदार कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है? देखो, उतना ही सिमिलर है जितना आप उसमें कर सकते हो, लेकिन उतना ही डिफरेंट भी है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग सोच के हैं। मेरा मेरा ये मानना है कि आपका किरदार
आपके रिएक्शन से पता चलता है। right. आप किसी सिचुएशन में डाल दिए जाते हो तो वहाँ आप कैसे रिएक्ट करते हो वो आपका रियल बताता है किरदार किस तरीके का है टू स्टार्ट विथ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस लिहाज से तीनों ही बहुत अलग हैं एकदम। yes. है ना, लेकिन आप बोलोगे कि एक प्यार करने के तरीके में शायद तीनों सेम भी हों। Yes. एक अंश उसका सेम भी हो, क्योंकि हूँ तो मैं ही ना। mm-hmm. कुछ ना कहीं ना कहीं या तो मेरे अंश से उसमें घुसा है या उसके वहाँ से मेरे में आया है, तो या तो मैं उसके पास गया हूँ कैरेक्टर के या कैरेक्टर थोड़ा मेरे पास है। yes. ऐसे ही करते हैं हम, कोशिश करते हैं शायद मैं और सीखूंगा तो एकदम ही एकदम अपने से एकदम अलग बना के निकालूं। मैं वो भी सीख रहा हूँ। yes. कोशिश करूंगा आगे जाके शायद ऐसा भी हो। लास्टली मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जब आपका जो किरदार है संदीप भैया का, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट आपको आया रहेगा कि यार ये इंसान ने भी देखा और ये इंसान आके मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एक सरप्राइज कॉम्प्लीमेंट हम बात करते हैं, हमारे क्लोज वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जर्नलिस्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं जिन्होंने देखा हो, बट कोई ऐसा स्टार या फिर किसी का मैसेज या फिर कोई ऐसा? देखिए मेरे जो स्टार्स एक्चुअल स्टार्स हैं, मेरे जो खास लोग हैं, जो इसकी बात हमारी सबसे पहले हुई थी, जो मेरे बैचमेट्स हैं। yes. जो मेरे क्लोज वंस हैं, उन लोगों ने यू नो मेरे को वीडियो कॉल किया था आंखों में आंसू के साथ। वो मेरे लिए ना वो बहुत मेरे लिए कमाल की चीज़ थी। और मेरी जो मैंने मेरी वाइफ का बताया, उनका रिएक्शन, और मेरे जो खास लोग हैं, तो पहला तो वो मेरे माँ बाप का, मेरे डैड कमेंट्स पढ़ते थे यूट्यूब पे और मम्मी बताती थी कि उनकी आंखों में पानी आ जाता था, तो मुझे लगता था कि यार इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है मेरे लिए। तो ये एक था। उसके अलावा बहुत सारे प्यारे बहुत ही प्यार से लवली जो फैंस मिलते हैं अलग अलग शहर में, वो मोहब्बत देख के तो मुझे लगता है अरे मैं उसी वक्त थैंक गॉड करता हूँ कि मतलब ये चीज़ हुई मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत ट्रू है। वो जो प्यार होता है ना, वो जो लोगों का जो वो बहुत सच है, उसमें कुछ मिलावट कुछ वो सब नहीं है और वो बस बहते हैं। तो वो एक वो है। और उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, करण सर से मैं मिला था, करण जौहर साहब से, उनको अच्छा लगा था। हमारे जो स्टार्स हैं आज के डेट में, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल जी, अपने वरुण धवन, रोहित भाई, ऑफ कोर्स, तो इन लोगों ने मैसेजेस किए थे। दैट वाज वेरी वेरी स्वीट ऑफ देम, टेकिंग देयर टाइम आउट, दे मैसेज्ड, दे लाइक्ड इट, एंड इट्स आल्सो लाइक एन इंस्पिरेशन, यू नो, कि कर रहे हैं हम लोग भी साथ में वो करते हैं, तो मेरे लिए भी एक बूस्ट था, अच्छा लगा मुझे बहुत। फेल्ट रियली रियली नाइस। तो ऐसा लगता है कि और अच्छा काम करूं, वो एक इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो ये है। और आपने कॉम्प्लीमेंट दिया वो भी बहुत प्यारा था। yes. अब जिस तरीके से आपने बोली वो बात धागा वाली, तो एवरी कॉम्प्लीमेंट फॉर मी इज़ रियली स्पेशल, बिकॉज इट्स ट्रू, कम्स फ्रॉम द हार्ट, और वो मतलब किसी का कम या ज्यादा वाली बात तो है ही नहीं। लास्टली अपार्ट फ्रॉम शहजादा, एनीथिंग कमिंग अप नेक्स्ट आफ्टर दैट, एनीथिंग लाइक ओटीटी और एस्पिरेंट्स 2 आएगा अगला? यस, उसके लिए काफी वेट है। जी जी जी, एस्पिरेंट 2 कह दो कि एस्पिरेंट्स 2 कब आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है, देखो कब आता है, पर हां हम बन रहा है। जी जी जी, आई एम आल्सो वेटिंग, वी ऑल आर वेटिंग, एज अ टीम वी आर वेटिंग। यस यस, तो वो है। और एक YRF का है, रेलवे मैन। यस, वो फिलहाल आएगा, तो फिलहाल ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच अमानी जी, धन्यवाद।